समय मोहाली मैटोर बैरियर ते खड़े हैं। मैटोर बैरियर इनू लेफ्टिनेंट कर्नल बिक्रमजीत सिंह चौंक भी कहते हैं। तुसी मेरे चारों पासे पुलिस देख रहे होने, पुलिस ने इत्थे घेरा पा रखे, तुसी देखो बैरीकेटिंग की हुई है, चारों पासे जड़ी है पुलिस खड़ी है। पुलिस ने इत्थे कहिंदे रेते दे टिप्पर खड़े किए हुए आ सड़क ब्लॉक करन लई और आंसू गैस छड़न लई जां पानी दी बुशारा करन लई इत्थे जिहड़े गड्डियां हैगियां उह इत्थे लगाईआं होईआं। इह तुसीं वी सोच रहे होणे आ वी इन्ना वड्डा इंतजाम इत्थे मटोर बैरीअर ते पुलिस ने, पंजाब पुलिस ने क्यों किया होया? क्योंकि अज किसान संयुक्त किसान मोर्चे वल्लों एक ज्ञापन देन जाना है, रैली कढ़नी है। ये रैली मटोर बैरीअर तो हुंदी होई गवर्नर हाउस तक जानी है। बहुत वड्डी संख्या च जड़े किसान है इत्थे पहुँचन वाले ने। उस तो बाद यह मटोर बैरीअर जड़ा पार करके चंडीगढ़ विच वह शामिल होणगे। ये 33 किसान जथेबंदियों वालों जड़ा है ये फैसला लिता गया कि वह पंजाब दे राज्यपाल अते चंडीगढ़ दे एडमिनिस्ट्रेटर उन्हों एक ज्ञापन देंगे। जड़ा ये ज्ञापन हैगा ये दिल्ली च जड़ा किसान अंदोलन चलिया सीगा उसके संबंध में यह ज्ञापन जड़ा है ये दिता जाएगा। और इस दे लिए इन्होंने जड़ा प्रदर्शन हैगा ये केंद्र सरकार दी वादा खिलाफी दे खिलाफ किया जा रहा। जड़ा ये ज्ञापन है ये केंद्र सरकार ने जिस टाइम दिल्ली में प्रदर्शन चल रहा सी किसानों का, सानू याद होना दिल्ली में जो पिछले साल प्रदर्शन चल रहा सीगा उस टाइम केंद्र सरकार ने बड़े वादे किए सी किसानों नाल, पर वो जड़े वादे है हाले तक पूरे नहीं हुए, जिस करके किसानों ने फैसला किया कि एक बार फिर जड़ा संघर्ष का रूप अख्तियार किया जाए। उसी संघर्ष के रूप के तहत अज पंजाब के राज्यपाल चंडीगढ़ के प्रशासक को ज्ञापन दिता जाना है। तो इस विच जड़िया मुख मंग हैगियां वो ये हैगी है कि जेड़े 60 साल तो उपर दे किसान है उन्होंने पेंशन दी जाए। किसानों के उत्ते जड़ियाँ FIR दर्ज है, जेड़े परचे दर्ज है उन्होंने वापस लिता जाए। किसानों के उत्ते जड़ा कर्जा है उन्हों माफ किया जाए। MSP की भी मंग जड़ी है वह पेंडिंग चली आ रही है। तो जड़ा लखीमपुरी खीरी जड़ा हिंसा हुई सी उस विच भी किसानों का मानना है कि उन्होंने इंसाफ नहीं मिलिया, जिस करके वह अज चंडीगढ़ में प्रदर्शन करने लिए आ रहे हैं। और जड़ा ये घेरा तुम देख रहे हो ये पंजाब पुलिस का, हाले चंडीगढ़ पुलिस का घेरा इस तो अगे हैगा। पहले उन्होंने जदि चंडीगढ़ में किसानों ने एंटर करना है तो उन्होंने पहला पंजाब का घेरा तोड़ना पैना। पंजाब का घेरा तोड़न तो बाद चंडीगढ़ में एंटर करेंगे और उत्थे चंडीगढ़ पुलिस का घेरा उन्होंने तोड़ना पैना, उस तो बाद अगे बढ़िया जा सकता। हालांकि सोनू पंजाब पुलिस वालों सिर्फ बैरीकेटिंग नज़र आ रही है, पर चंडीगढ़ पुलिस ने बकायदा रेते दे भर के टिम्पर जड़े है वह सड़क के बिच खड़े कर दिते गए ने ताकि किसान जड़े है या किसान दे जड़े जथेबंदियां वो अगे ना बढ़ सकन। चंडीगढ़ पुलिस का कहना है कि सिर्फ 8 मैंबर या 10 मैंबर किसान जथेबंदियां दे ऐसी वो डेलीगेशन गवर्नर हाउस लैके जावे तो गवर्नर साहब नूं एक ज्ञापन दिलावे। तो जदि उस किसान जथेबंदियां इस तो सहमत नहीं होंदियां तो उन्होंने भी पूरा इंतजाम कर रखे ताकि किसानों नूं इत्थे रोकया जा सके और किसी प्रकार की लोगों को दिक्कत ना आए, क्योंकि जिस टाइम किसान एंटर कर जाएंगे तो अगे बड़ी दिक्कत आनी है। सारिया सड़क जड़िया चंडीगढ़ दियाँ ब्लॉक हो जाएंगी क्योंकि किसानों की जी संख्या दसी जा रही है, जी CID रिपोर्ट आ रही है वो ये आ रही है कि 15,000 के करीब जड़े है किसान कट्ठे हो रहे हैं और चंडीगढ़ एंटर करने की कोशिश कर सकते हैं, जिस करके चंडीगढ़ पुलिस ने भारी इंतजाम किया गया। सिर्फ आह जी 51-52 की डिवाइडिंग रोड है इतने नहीं सिर्फ बैरीकेटिंग की गई, बल्कि इस तो बाद भी जदि पहली बैरीकेटिंग तोड़ देंगे तो उस तो बाद दूजी तीजी ऐदा चंडीगढ़ पुलिस ने पूरा इंतजाम किया कि चंडीगढ़ में किसी भी तरह किसान जड़े है वह एंटर ना हो सकन। हुण देखना यह है कि इस मामले में किसान चंडीगढ़ में एंटर होंगे है या फिर उन्हां दा एक डेलीगेशन एक प्रतिनिधिमंडल जड़ा गवर्नर हाउस जाके गवर्नर नूं ज्ञापन देगा, ये आने वाला समय दसेगा।
मैं दिनेश गोयल कैमरामैन उमा याद दे नाल दैनिक सवेरा टीवी लई चंडीगढ़ तों।